So good morning all of you, and welcome to this online guest session called Ek Number Gyan on VFX with Rushank and Justin. So thank you. By the way, this Ek Number comes from the name of their studio, which is Ek Number Studios, Bombay में है, बहुत ही बढ़िया studio है, और अभी आपको जो screen पे दिख रहा था website, वो उसमें आपको समझ में आया होगा कि किस किस type के projects ये लोग लेते हैं. इस invitation में भी जो email में मैंने भेजा था, उसमें भी उनकी link भेजी है. So बहुत बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं. आज का session ऐसे करेंगे कि initially we'll have a short interview with Justin and Rushank, and after that they will be sharing their work with you, और उसका breakup भी वो समझाएंगे, and then that will be the time when हम लोग at some point we'll also say कि चलो अब आप सवाल भी पूछ सकते हो as students, so you will be able to type your questions in chat box and they would be happy to answer, right? So before we start, let me just introduce both our guests today. तो बहुत ही young है लेकिन बहुत ही promising और बहुत ही talented artists हैं. So let me start with Justin first. So Justin is the senior motion graphics designer at this studio, और उन्होंने अपना career जो है वो शुरू किया था एक BG prep artist की तरह, फिर senior compositor और VFX team lead. ये उन्होंने तीन साल लगभग काम साढ़े तीन साल काम किया FXS studio में, and then he went on to become a motion designer at Corridor Studios. Freelance भी काम किया उसके बाद काफी समय तक अलग अलग क्लाइंट्स के साथ में, एंड फिर कंपोजिटिंग का काम और मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर का काम. सो दिस इज व्हाट हिज टॉप स्किल्स आर, एंड नाउ ही इज हियर विद Ek Number Studios वर्किंग एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट. एंड रुशांक जो है उनका करियर शुरू हुआ है रिदम एंड ह्यूज से, वेयर ही वाज अ मैच मूव एंड कैमरा ट्रैक टीवी, फिर वीएफएक्स कंसल्टेंट की तरह काम किया क्योंकि डिजिटल मीडिया में, एंड देन YM Movies, और उसके बाद फ्रीलांस भी काम किया, एंड देन अबाउट वन ईयर बैक दे हैव स्टार्टेड दिस न्यू स्टूडियो, Ek Number स्टूडियो बंबई में है ये. सो वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड आई एम श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स विल लव हियरिंग यू एंड योर एक्सपीरियंसेस आउट. सो लेट अस बिगिन विद द इंटरव्यू. सो लेट मी कम टू यू जस्टिन फर्स्ट, एंड व्हाई डोंट यू शेयर, आई हैव जस्ट गिवन अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हाउ योर जर्नी हैज बीन, बट ये तो जो कागज पे लिखा होता है वो है, तो यू नो असली जिंदगी में कैसा होता है ये, और क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या बड़े ब्रेक्स मिले, यू नो उसके बारे में हमें बताएं. सो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था लाइक 2010 में. उसके पहले मैं एक्चुअली बीपीओ इंडस्ट्री में था, ठीक है. सो इट वाजंट इजी दैट वे. तो लगभग आई थिंक 2 years आई वाज देयर इन द बीपीओ इंडस्ट्री, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे ये नहीं करना है, यू नो आई मीन लाइफ बिकेम मोनोटोनस, कुछ एक्साइटिंग नहीं था. सो देन आई टुक अ ब्रेक. तो मैंने सोचा कि लाइक व्हाट नेक्स्ट, यू नो आई एट दैट पर्टिकुलर एज आई थॉट कि यू नो स्विचिंग अ कैरियर माइट बी रिस्की, आई मीन आइदर काम करेगा या नहीं करेगा. सो देन आई डिस्कस्ड अमंग विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड देन आई ऑलवेज वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस आर्ट. तो मैं सोचा कि एंड प्लस इवन दो आई वाज वर्किंग इन द अदर इंडस्ट्री, मैं घर पे यू नो फोटोशॉप में लाइक यू नो ऑनलाइन कुछ R&D करता था या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था फोटो मैनिपुलेशन. तो आई वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. सो देन फिर स्टार्ट हुआ कि कैसे इस करियर में आगे बढ़ाया जाए अपने आप को. सो देन आई रिसर्च्ड ऑनलाइन एंड आई फाउंड लाइक अ स्कूल, यू नो वेयर आई कैन डू द कोर्स. तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ, आई डिड 1 year डिप्लोमा देयर, एंड देन व्हाट हैपेंड इज मेरा आई वॉज सो एनग्रोस्ड इन माई वर्क, आई लव्ड डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग. सो वहाँ पे जो फैकल्टीज थे उन्होंने नोटिस किया, एंड वहाँ पे क्या हुआ कि दे वर बेसिकली इंस्टीट्यूट, सो दे स्टार्टेड देयर ओन स्टूडियो विच इज FXS, माई फर्स्ट जॉब एक्चुअली इन दिस फील्ड, एंड दे वर कॉलिंग आउट ऑल द स्टूडेंट्स, यू नो. सो आई वॉज वन ऑफ देम, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. तो मैंने बोला कि लाइक अभी यहाँ से पलटना नहीं है, एंड दैट वॉज द डे when I started as a BG prep artist. So mere liye sab naya naya tha, I had no experience in this field,
सो यू नो द फैकल्टी जो थी एक्सपीरियंस एंड द सीनियर्स जो थे उन्होंने काफी गाइड किया एंड आई मेड श्योर दैट आई प्रैक्टिस आई नेवर सिट आइडल यू नो तो वो दिन था और आज का दिन आई स्टिल यू नो हैवंट चेंज्ड माई सेल्फ यू नो आई एम स्टिल एक्साइटेड व्हेन अ न्यू प्रोजेक्ट कम्स अप एंड यू नो खुशी होती है जब यू नो कुछ नया प्रोजेक्ट आता है एंड यू नो आई सी अरे इसमें कुछ चैलेंज है करके ये कर सकते तो आई यू नो डिस्कस विद रुशांग और कोलैब विद अदर आर्टिस्ट एंड सो या आई मीन दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बीन टिल नाउ एंड इट्स एक्साइटिंग एंड यू नो आई एम वेटिंग टू शेयर एवरीथिंग लाइक ईच एंड एवरी डिटेल विद यू लाइक एज अ Great. So the interesting part here is that even I started my career at IBM Dux. Halaki main wahan 2 saal nahi 2 mahine hi tha. And I joined an IT firm. Or actually 2011 was also a time for me when I switched my career. Aur main bhi fir wo IT chhod ke fir main teaching ki taraf main change ho gaya. So you know, these decisions are very difficult because you know that you are going against the flow. घर वालों को विश्वास नहीं होता, दोस्तों को विश्वास नहीं होता, और ऐसे में अपने आप को कैरी आउट करते चले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड व्हिच आई थिंक यू हैव डन प्रीटी वेल, सो वेरी मेनी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. या रुशांक, आपके बारे में बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही? वेल लाइक जस्टिन जैसी तो नहीं है मेरी, टोटली अलग है बिकॉज बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा ही एकदम ही स्कॉलर था, इतने अच्छे मार्क्स आते थे कि बस मैं घर वालों ने बोला इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो बचपन से मुझे शौक था कि कुछ ड्राइंग करूं, पेंटिंग करूं, बस इसी फील्ड में जाना है, कुछ तो अलग करना है. सो लाइक फ्रॉम फोर्थ स्टैंडर्ड मुझे फोटोशॉप पता नहीं कहाँ से मिल गया, तो मैं फोटोशॉप में ट्रायल्स एरर्स कुछ ना कुछ करता रहता था, अपने आप को डुप्लीकेट करता था, पीछे ताजमहल लगाता था, बहुत चीजें करता था. स्टैंडर्ड फोर्थ से या लाइक फोटोशॉप आई यूज्ड टू वर्क ऑन फोटोशॉप टू. सो या तो बहुत मतलब बचपन से उसमें शौक था. फिर सोसाइटी में गणपति में डांस परफॉर्मेंसेस होते थे, तो उसके गाने के लिए मुझे एडिटिंग के लिए बुलाते थे, वीडियो एडिटिंग करवाते थे, बैनर्स बनाने के लिए. तो स्लोली स्लोली और इंटरेस्ट बढ़ता गया कि और क्या क्या कर सकते क्या क्या कर सकते. एंड देन आफ्टर 12th मैंने BSc एनिमेशन किया मुंबई से. सो 3 साल का कोर्स था. सो उसमें भी बहुत चीजें पता चली कि क्या क्या होता है, जो मुझे सिर्फ लगता था कि जो सिर्फ एक वीडियो में सीमित होता है इतना ही कर सकते या फिर एक बैनर बना सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री, लाइक लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमेशन, स्टॉप मोशन है, क्लेमेशन है, बहुत कुछ है, 2D है, 3D है, लाइक वास्ट है एकदम ही. सो फिर और उसमें और बड़े और रुचि बढ़ी उसमें. फिर खुद से भी अंदर से इच्छा थी कि कुछ अलग करना है, कुछ और करना है. सो वही उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था मैं कॉलेज में भी. जैसे ही एंटर हुआ आई यूज्ड टू डू फ्रीलांसिंग कंपनीज के लिए, लाइक मिक्सर ग्राइंडर का कलर चेंज करना है, स्पून्स का डिजाइन करना है, वैसे सब कर रहा था. फोटोशॉप में मॉडल्स का सिल्वेट कट करना है, ऑल दैट स्टफ, मतलब स्टार्ट कॉलेज से लाइक फ्रीलांसिंग कर रहा था. फिर जैसे ही कॉलेज खत्म हुई, एक महीने में मुझे रिदम एंड न्यूज से कॉल आ गया फॉर मैच मूव एंड कैमरा ट्रैकिंग, जो मैंने कभी लाइफ में किया नहीं था. हमें कॉलेज में भी बेसिक सिखाया था, उतना कुछ ये नहीं था, बट वो कंपनी ऐसी थी कि उन्हें सिर्फ अंदर देखना, जज्बा देखना था कि आदमी कर सकता है कि नहीं. फिर उन्होंने ही सिखाया, 3 महीने का ये इंटर्नशिप था वहाँ पे, उन्होंने सिखाया अप्रेंटिस में कि क्या कैसे करना है. एंड देन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज लाइफ ऑफ पाई. सो फिर लाइफ ऑफ पाई, फिर उसमें हमने काम किया 1 साल और फिर ऑस्कर मिला, सबको पता है. एंड देन जर्नी चालू, बस वो चल रही थी. फिर रिदम एंड न्यूज में कुछ ये बैंकरप्सी हुआ, प्रॉब्लम आया. सो देन एवरीबॉडी स्टार्टेड शिफ्टिंग टू अदर कंपनीज एंड ऑल, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. सो फिर मैंने वही घर बैठे, घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं तू अपना जो भी करना है कुछ और कर. सो फिर मैं घर बैठे खुद ही सोचा क्या करना है कैसे. एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो, माय वर्क इन आफ्टर इफेक्ट्स. आई लाइक जो भी मैंने फिर आफ्टर इफेक्ट्स में जो भी सीखा सब ऑनलाइन और प्रैक्टिस करके सीखा है. सो जैसे ही बढ़ता गया देन आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रीलांसेस, आई शुड डू फ्रीलांसिंग एंड ऑल. एंड देन स्लोली स्लोली सबको पता चला कि हाँ इसका काम अच्छा है, तो फिर और लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देने चालू किए. देन आई स्टार्टेड गोइंग टू क्यूंकी फॉर जैमिन एंड लॉट्स ऑफ अदर म्यूजिक वीडियोस. फिर वैसे ही मेरी मुलाकात AR रहमान सर से हुई. Then I went to Chennai for 2.5 years with him for his film Le Masque. It's a VR film.
started working on this film. अब वो खत्म हुआ, then I came back and then we started एक नंबर. उसमें क्या sound editing कर रहे थे रहमान सर के साथ? जी नहीं, it was a VR film, so I used to do VFX in VR. Oh, lovely. Yeah, so it's a totally new thing. Like even it was new for me as well. But वहाँ पे it was experimental. It is India's first VR, not India's, but it's world's first VR feature film. So it's like a long film. Yeah. So what is the duration? It's currently currently it is now 60 minutes because like we were experimenting and all. फिर ज्यादा लोग देख नहीं सकते VR, ऐसी चीज है. सो इसलिए हम लोगों को फिर उसको और चॉप डाउन करना पड़ा. बट करंटली इट इज 60 मिनट्स. तो आज तक अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, लाइक इट्स इन पार्ट्स एंड ऑल, लेकिन ये वाली एक प्रॉपर फीचर फिल्म है विद प्रॉपर स्टोरी एंड या. सो दैट्स देयर. सो उसमें मुझे बहुत सीखने मिला VR में. लाइक वी डिड VFX, 3D एनिमेशन, एवरीथिंग. वो भी नए नए सॉफ्टवेयर हम लोग ने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें यूज कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, एंड देन या. और फिर हम अब यहां और अब हम ये कर रहे हैं एक नंबर स्टूडियो. Lovely. So, tell us something about the challenges. क्योंकि ये सुनने में तो exciting लगता है, लेकिन challenges को overcome करना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है. So, challenge as in project-wise challenges की बात कर रहे हैं आपकी कैसे? In general, कभी project-wise नहीं कह रहा हूँ. Project मिलना ना मिलना से लेके बहुत सारी ups and downs होते हैं. Well, या सो इसमें उतार चढ़ाव तो बहुत है. लाइक जब मैंने रिदम एंड यूज छोड़ा, जब वो कंपनी बंद हो गई 2014, मेरे पास पूरा खाली था. लाइक आई डिडंट हैव एनी वर्क. सो दिसंबर 2013 में कंपनी बंद हुई. फ्रॉम जैन आई वाज लाइक फ्री, नॉट इवन अ फ्रीलांस, आई वाज फ्री. सो आई यूज्ड टू लाइक सी प्रोजेक्ट्स की हाँ ये है, ऐसा है. पिचिंग भी चलता था, लेकिन लोग देते नहीं थे क्योंकि फिर भरोसा नहीं होता कि नए बंदे को क्यों दे हम प्रोजेक्ट अगर नहीं कर पाया तो. स्टाफ फिर वो क्वालिटी का भी इश्यू था कि नया बंदा होगा तो कैसी क्वालिटी देगा, वो भी है. सो वो सब मेन डिफिकल्टीज तो वो थी. लाइक एक साल मुझे कुछ काम नहीं मिला. लाइक आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस एंड देन पीपल यूज्ड टू से नहीं मजा नहीं आया, पैसे नहीं देंगे, ऐसे भी होता था. या सो ये सब हुई, लेकिन फैमिली सपोर्ट था कि हाँ नहीं नहीं कर, कंटिन्यू कर, देखते हैं, और कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा. But after exactly 1 year, I got a call from a lady and she said, I have this big project. And like I started on that project and it was very awesome. Like maine akele na pura ek project kiya. It had Flash and it had After Effects and it had coding as well. So it was an interactive video which I made for the first time in my life. Like main karte karte hi seekha aur fir maine wo project diya bhi akele na pura graphics ke saath. And tab se fir confidence badh gaya ki nahi, hum thoda sabr hona chahiye, patience hona chahiye. अगर पेशेंस होगा तो ऑटोमेटिक, मतलब धीरे धीरे काम कर रहे हो तो उसका फल तो मिलने ही वाला. सो ये मेजर मुझे सीखने के लिए तो यही मिला. सो उतार चढ़ाव फिर पूरे, मतलब इतने साल फ्रीलांस कर रहा हो तो उतार चढ़ाव तो आए. एक महीना काम मिला, एक महीना नहीं मिला, एक हफ्ता मिला, वैसा सब हो रहा था. लेकिन अभी पता चल गया कि हाँ जब काम आ रहा है तब कर लो फिर, क्योंकि इंडस्ट्री ऊपर नीचे होती रहती है. काम वैसे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो एक काम मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है. जब भी फ्री टाइम हो तब कुछ नया सीख लो और फिर वापस जब जैसे काम आता है उसको यूज कर. I'd like to add something on this. तो जब मैंने मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ था मेरा, so I think almost 4-5 months में मेरे पास कुछ काम नहीं था, because of course I am a fresher and no experience in this field. तो I started panicking कि अरे ये क्या हो रहा है करके, वो लाइक खत्म हो गया everything, तो अभी what next? काम कहाँ से लोगों करके. एंड देन थोड़ा रिसर्च किया इंडस्ट्री के बारे में एंड एवरीथिंग. तो मैंने ये नोटिस किया कि लोगों कोई फ्रेशर को अप्रोच नहीं करते जनरली, यू नो इट अप्लाइज टू ऑल मोस्टली ऑल द फील्ड्स. तो द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि यू हैव कंट्रोल ओवर यू नो योर वर्क. तो एज अ लाइक टू द ऑल द स्टूडेंट्स दैट राइट नाउ आर वॉचिंग, आई कैन टेल देम और एडवाइस देम, you know, start working, you know, practicing every day. So, aap apna showreel banao ya, you know, kuch, like, it can be anything. Don't think ki ye acha hoga, ki ye bura hoga, ya kharab hoga. Don't. Keep practicing, you'll improve yourself. So, that is how, you know, after, like I said, 4 mahine, to main ghar pe tha. And then suddenly, I got a call. And it's only, why I got a call is because I used to practice every day in my institute, you know, and people used to notice that. The faculty. So, उनको पता था कि अरे हाँ ये जस्टिन है करके, इसको अपन अप्रोच कर सकते हैं करके. And I got a call from them and you know
So that was one opportunity that I wanted. I would desperately wanted, you know, that one break, you know, har kisi ke life mein aata hi hai. So grab it with both hands. You know, don't think, you know, ki are pata nahi main kar paunga ki nahi, you know. It's okay. I mean, if you are doing something bad, it's okay. I mean, I'm not saying ki ek fresher se apan high quality expect kar sakte. And, you know, just give it a shot. You know, it might work, it might not work. Yeah. You know, toh wo cheez hai. So that first break is very important. Don't let it go. You know, agar opportunity aa raha hai, you know, just concentrate on what you are doing. And, you know, ye mat socho ki, yaar, pata nahi achha hua ki nahi. Don't compare yourself with other artists or, you know, mm-hmm. or your friends, for example. You know, just do, you know, what you like. You know, toh wo aage ka fir, like, jaise hoga, wo ho hi jata hai, wo tension nahi aata hai. Yeah, sure. अच्छा अब इस पे बात करते हैं कि कोविड का जो पूरा सिचुएशन है पूरे दुनिया में तो हाउ हैज दिस इंपैक्टेड द वीएफएक्स सेक्टर क्या पहले से कम हुआ पहले इनिशियली थोड़ा हिट लिया लेकिन अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आगे कैसा लगता है आपको कैसा है सिचुएशन सी जब ये कोविड स्टार्ट लाइक पैंडेमिक स्टार्ट हुआ ड्यू टू द लॉकडाउन व्हाट हैपेंड इज सब शूटिंग प्रोसेस सब बंद हो गए यू नो तो projects hold pe chale gaye. So what I noticed in these months was ki mostly people started doing animation like you know post mein like animation 3D motion graphics because main shoot to instead hai. Of shoot and live action yeah. like people shifted to animation and other forms to wo kaam aate raha to us pe kuch break nahi hua laga tha only thing is was the shooting like live action part फिर जैसे जैसे ईज डाउन हुआ लॉकडाउन एंड यू नो ओपन अप स्टार्ट हुए देन शूटिंग स्टार्ट हुए एंड देन वी गॉट वर्क यू नो लाइक पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स एंड यू नो ब्ला 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 तो थिंग्स आर कंसिडरेडली फाइन राइट नाउ सो या सो हमारे साथ एक्चुअली कैसा हुआ कि मार्च में जैसे ही सब बंद हुआ तो हमारी ऑफिस भी बंद हो गई हम काम लेकिन हमने या हम पहले से टेस्ट कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सके बिकॉज एज अ फ्रीलांसर आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम इवन जस्टिन वर्क फ्रॉम होम सो हम लोग सोचे थे कि बाकी लोग भी कैसे वर्क करें तो बिफोर द लॉकडाउन इटसेल्फ वी वर टेस्टिंग आउट वर्क फ्रॉम होम कल्चर एंड देन सडनली लॉकडाउन हैपेंड तो हम वी वर ऑलरेडी रेडी फॉर द वर्क फ्रॉम होम कल्चर एंड या सो लाइक एवरीथिंग वॉज इन सिंक तो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको अफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज वो हम लोग पहले से सेट हो गए थे घर से करने के लिए तो हो गया लेकिन वही नए प्रोजेक्ट्स जो है जैसे कि वीएफएक्स प्रोजेक्ट्स है जो वो सब ऑन होल्ड हो गए कि नहीं आगे नहीं करेंगे फ्यू फिल्म्स जिसका हम लोग ने काम कर चुके हैं वो अभी रिलीज हुए नहीं अभी क्योंकि लॉकडाउन आ गया और वो सब हो गया वो सब के कारण बट वही है कि जो यूएस इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जो पहले इंडिया में मतलब छोटे स्टूडियो जैसे हमारा है दे नहीं रहे थे उनको काम की कैसे करेंगे ये वो बट ड्यू टू दिस ऑनलाइन थिंग नाउ एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड शेयरिंग इट आउटसाइड ऑफ देयर सेफ जोन की नहीं मैं ये स्टूडियो में चला जाऊंगा नहीं वैसा नहीं अभी वो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं जैसे कि हमने भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए लॉकडाउन में सो उसे एक फायदा हो गया कि अभी नाउ द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड एक भरोसा बैठ गया कि हाँ ऑनलाइन भी कोई घर पे बैठ के भी कर सकता है व्हाट इज देयर बेनिफिट छोटे स्टूडियोज को काम देने में कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट एक तो लाइक यू नो कम हो जाता है सो प्रोबेबली द ओनली डिफिकल्टी दैट दे माइट फेस इज कोऑर्डिनेशन Yeah. You know, other than that, I don't think so because काम के हिसाब से कुछ because as an artist, anyone would prefer working from home, you know, rather than going to the studio and working. उनका तो यही benefit होगा कि you know, like the overhead cost would be you know less and coordination also you know थोड़ा हो जाता है manage. Initially, I'm pretty sure everyone found it difficult, yeah. but now things have you know people are accustomed to that culture. And वही पहले कैसा था कि like they go for the name like suppose ये बड़ा studio तो नहीं इसको ही देंगे तो ये लोग मतलब हमको देखना नहीं पड़ेगा पहले से कर लेंगे. But now slowly they have seen कि नहीं बाकी सब जो भी studios है upcoming studio जैसे कि हमारा है तो उन्होंने देखा कि नहीं इनका काम अच्छा है तो लेट्स गिव इट अ शॉट कि कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली कैसा होता है कि हम नमक लेंगे तो सिर्फ टाटा का ही लेंगे क्योंकि वो ब्रांड हो गया लाइक यही लेना है वैसे तो इस कंपनी को ही दे दिया वैसे बट नहीं स्लोली स्लोली ये लॉकडाउन में ये फायदा हो कि छोटे छोटे स्टूडियोज हैं उनको लोगों ने ट्रस्ट किया है लाइक आउटसोर्स करना चालू किया एंड पहले से मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को पता था कि ये लोग ऑनलाइन कर सकते हैं लाइक उधर जाने का जरूरत नहीं है
सो दैट्स व्हाई वो एक फायदा था कि हाँ इनका तो सेट ही है, इनका कुछ हिला नहीं है तो इनको दे सकते हैं और एक फटाफट उनका प्रोजेक्ट दे देंगे, 10 दिन बोला है तो 10 दिन में दे ही देंगे। बाकी स्टूडियोज अभी तक सेटअप कर रहे थे कि हाँ अभी सब एम्प्लॉयज को कंप्यूटर्स दे रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है, वो सब है, पाइपलाइन सेट करना है, हमारा छोटा होने के कारण फटाफट सब कुछ हो गया। So now tell me one thing, isn't this a big challenge that agar work from home karna hai to especially if you talk about VFX, you need big computers, you know, big machines, infrastructure zyada lagta hai as compared to a Photoshop artist or somebody, you know, who's working on Flash or animation. How do you with that? See, my friends work for big studios, so what has happened is उन्होंने अपना जो ऑफिस का जो सिस्टम है वो लाइक यू नो दे हैव अलाउड टू टेक इट होम। तो ऑल्दो लाइक मेरे फ्रेंड्स सबके पास तो आजकल कंप्यूटर्स होते ही हैं, हाई एंड कंप्यूटर्स हैं अगर आप ये फील्ड में है तो व्हाट हैज हैपेंड लाइक आई इंटरैक्टेड विद लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड यू नो फ्रेंड सर्कल, तो दैट इज व्हाट दे हैव डन, द कंपनीज हैव गिवन देयर हाई एंड सिस्टम्स टू टेक होम एंड यू नो द ओनली थिंग इज जो कॉमन सर्वर है वो लिंक नहीं होता, सो दे हैव टू लाइक यू नो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है व्हेन दे हैव टू फिनिश द शॉट एंड दे हैव टू अपलोड इट रेंडर इट एंड ऑल, तो वो पूरा कंसीडर करके ही आई एम प्रीटी श्योर यू नो थोड़ा मे बी डेडलाइन में थोड़ा फेरबदल हो सकता है इस चक्कर में, बट आई डोंट थिंक सो दैट वर्क वाइज कुछ इम्पैक्ट किया होगा मेजर यू नो, तो वो चीज है राइट। एंड हमारे लिए तो लाइक बीइंग अ फ्रीलांसर फ्रॉम द स्टार्ट लाइक हम हमारे घर के मशीन तो सब हम लोग ने वैसे ही रखा है कि वी कैन डू एवरी वर्क ऑन इट, सो एंड या एंड बाकी जो भी एम्प्लॉयज थे उनको हमने जो ऑफिस के मशीन से वो पहुंचा दिए, सो उसमें कोई इशू नहीं हुआ। दे आर लाइक द मशीन्स आर एक्सपेंसिव बट फिर वही काम भी उस हिसाब से करना है कि वही मशीन का तो करना ही पड़ेगा, एंड जिनके पास नहीं था फिर वी हैड टू ऑप्ट फॉर रेंटिंग, सो दैट वॉज अ लाइक बेटर ऑप्शन टू रेंट आउट द मशीन फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड देन या so उसे कॉस्टिंग भी बच जाता है एंड देन काम भी हो जाता है। so how has the lockdown been for you in particular in you know with respect to cost cutting में कुछ करना पड़ा क्या, did you need to you know show pink slips to some employees or did you have to do some pay cuts? Pay cuts तो नहीं but वही ऑफिस बंद करना पड़ा मेरे तो because the like the it was on rent so main to wohi rent kha raha tha yeah so then I just took a decision to the we just shut the office and then I told ki jab tak abhi kuch naya nahi hota tab tak we'll work from home so sabse pehle wohi kiya so no one is affected by the money and all that was like flowing because yeah we have a like mera main cheez wohi hai and everybody should have that ki first you should make your employees happy because then if your employees are happy automatically you are happy your company is happy everything will go smoothly so yeah. And my work flows better and everybody was also like very into everybody is into this company so they are like baki logon ne bhi bola ki humko salaries nahi chahiye abhi jab bhi kyunki abhi project hi nahi hai to kya aap salaries lenge waisa bhi scene mujhe bola gaya ki nahi abhi project aaya nahi maine kaam hi nahi kiya to main paisa kyun do but still it was going smooth to koi problem nahi tha and now we are back to track so usme koi issue nahi hai plus abhi project jab nahi bhi hota hai to we don't want anyone to sit idle yeah you know to hum log apna hi kuch personal experiments you know kuch personal projects karke you know like karke so that you know wo idle ho jate hain to fir kya bore ho jate hain to fir man nahi lagta that motivation hona chahiye exactly so we constantly keep on calling and you know others and everything we get on a conference call kya chal raha hai kya kar sakte hain you know sab like we interact with everyone you know on a regular lovely so like kitne log hai aapke studio mein total abhi kitne like hamare freelancers hum log kafi sare hain collab karne wale as an employee to I think so ek number mein kaisa hai so we are like three main people major people who are there in ek number okay and there is a cluster of freelancers okay so yeah if you like count वैसे तो हमारे 10-20 लोग हैं अगर आप एक नंबर का क्लस्टर काउंट करें तो सो लाइक एक जन हरियाणा में बैठा है एक जन दिल्ली में है एक जन कोलकाता में है फिर मैं तो हाँ मेरे गांव गुजरात में है एक जन वैसे फिर नवी मुंबई में सो इट्स लाइक अ क्लस्टर एंड वी वर्क एज अ फ्रीलांसर एज अ ग्रुप सो कभी भी लाइक कॉल करो अरे ये करना है बात खत्म फाइल भेजता हूँ हो गया
So yeah, it's like a Ek Number family where you can. Kabhi wo used to ho chuka hai. Yeah, so exactly. That process, you know, and yeah, and this work from home culture, like because freelancer, everybody's freelancer, so everybody's comfortable. अपने घर पे सब कर रहे हैं, कोई problem नहीं. Like even मैं भी 2 महीने गांव जाके आया. I used to work from my hometown, and yeah, it was going smooth, no issues, nothing. Yeah. So what is the story behind naming your studio Ek Number? Well, story as in like I am always like something कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है. So it ऐसे ही कुछ चल रहा था and we were discussing कि क्या नाम रखे, कुछ तो ऐसा एक नंबर होना चाहिए ऐसा रखना है. हाँ चलो एक नंबर ही रखते हैं, बहुत अच्छा नाम है. So वैसे एक नंबर रख दिया and people relate to it and like it's थोड़ा funky, it's थोड़ा Indianized है. So like people relate to it and they are, so एक नंबर सुन के ही आप comfortable आता है कि हाँ चलो ये अपना ही बनता है. देसी yeah. Like अगर कोई बड़ा सा English नाम बोलूंगा तो आप proper बैठ जाएंगे, नहीं ये कुछ तो proper ही professional है. Professional तो comfort level जिससे हम बात कर सकें, जिससे कि हाँ तो वो नाम सुन के एकदम catchy है, catchy हो जा रहा है. Yeah. And वो field के लिए हम जो जैसा काम करते हैं उसके लिए ये app है. Yeah. Lovely. Great. So moving ahead, I would like to know कि आपके domain में अगर students को आना है तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, mindset में क्या, मतलब as a student mindset अलग होता है, जब industry से expose होते हैं तो अलग ही दुनिया सामने दिखती है, right? So what would your suggestion be to students? See, first of all, what I look for in a student is obviously their work and सिर्फ काम ही नहीं but उनका attitude भी बहुत important. You know, because school में जो पढ़ाते हैं that's a very like you know easy environment. The studio में like you know the you have to face a lot of hardships. तो वो एक attitude भी important होता है. तो I would suggest you know students working on their showreel first. You know because without work you know it's very difficult to get in this industry, especially if you're a fresher. You know, so that first break like I said earlier वो बहुत important होता है. तो वंस यू आर इन दैट इंडस्ट्री कैसे भी करके आप अगर आ जाते हो एक बार, उसके बाद आपको बस मेहनत ही करना है, यू नो. सो वंस यू नो आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन योर वर्क राइट नाउ, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस, यू नो कीप अप विद द ट्रेंड्स. जो अभी लाइक थोड़ा रिसर्च करो कि क्या चल रहा है लाइक यू नो आज की तारीख में, व्हाट इज यू नो इन वर्किंग इन VFX, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या यूज हो रहा है, यू नो. एंड इनिशियली अगर आपने किया नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यू नो लाइक 3D माया और समथिंग और सिनेमा 4D, तो आपने कभी किया ना, यू नो. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग 3D देन जंप इनटू इट, यू नो स्टार्ट वाचिंग ट्यूटोरियल्स, यू नो क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, यू नो. बिकॉज एज अ एम्प्लॉयर आई वुड प्रिफर सीइंग समथिंग ओरिजिनल फ्रॉम ऑन अ स्टूडेंट स्टोरी, यू नो. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन उसके बाद जब इंटरव्यू होगा, जब इंटरेक्शन होगा, देन वी जज द पर्सन लाइक द स्टूडेंट बेसिस ऑन हाउ ही कैन हैंडल प्रेशर और एनीथिंग. तो पहले टेस्ट होता है एंड एवरीथिंग, यू नो हाउ दे यू नो डू वेल इन द टेस्ट और हाउ बैड. सो दैट्स यू नो तो वैसा प्रोसेस होता है. एंड देन वंस दे गेट इट ऑन बोर्ड एंड देन एक दो प्रोजेक्ट्स उनको दिया जाता है एंड एवरीथिंग. सो वी गेट एन आइडिया विद इन फ्यू वीक्स, यू नो कि वेदर दिस पर्सन विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑन. बिकॉज स्कूल में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ प्रेशर एनवायरमेंट नहीं होता, यू नो. कुछ प्रोजेक्ट अगर आप देते भी हो तो इट्स एन असाइनमेंट, लाइक अ होमवर्क, यू कैन डू इट एट योर ओन कम्फर्ट. ऑल्दो यू नो एक दो दिन में देना होता है, बट देन द स्टूडियो एनवायरमेंट इज टोटली डिफरेंट. You know, तो वो बहुत ऐसा प्रेशर ड्रिवन एनवायरमेंट होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी गुड, यू नो. इन सो वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द कॉन्फिडेंस बेसिकली, तो वो चीज होता है. हाँ मेन तो वही है, एटीट्यूड का सीन है. लाइक सी जनरली जस्टिन टेक्स ओवर द टेक्निकल एंड दिस एस्पेक्ट्स. आई जस्ट सी कि अंदर से उसको कितना ये वॉन्ट है कि नहीं मुझे ये काम करना है, अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि नहीं ये करना है, भले ही नहीं आ रहा हो लेकिन करना है. अगर वो ये इच्छा है अंदर से कि करना है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, मेन चीज वो मुझे लगता है. एंड देन कभी भी मुझे कोई कॉल करता है जॉब के लिए एंड स्टफ, सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम लोग रात को काम करते हैं, ओवरनाइट्स होगा, बहुत होगा, सीधा मैं ऐसे ही बोलता हूँ. फिर अगर किसी ने हाँ बोला तो फिर मैं समझ आता हूँ कि हाँ ये अपना बंदा है, इसने हाँ बोल दिया है.
बिकॉज नॉर्मल हम लोग उतना ओवरनाइट्स एंड स्टफ करते नहीं है, बट को पसंद नहीं है, पसंद नहीं, डोंट वांट एनीवन सैक्रिफाइसिंग, बट इट्स बेटर यू नो कि कभी हो सकता है, हो सकता है, तो आई नीड समबडी हु इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट. ये नहीं है कि नहीं करना ही है, बट हाँ अगर सामने वाले ने पहले से डर के बोल दिया नहीं ओवरनाइट नहीं करना है हमको, तो सिर्फ 9 to 5 जॉब चाहिए, तो ये वो 9 to 5 जॉब वाली इंडस्ट्री नहीं है. सो मेन चीज तो वो है. एंड प्रेशर का जैसे बात किया जस्टिन ने, सो दैट इज वेरी ट्रू. लाइक अगर कोई कोयला भी होगा उसको डायमंड बनने के लिए प्रेशर चाहिए होता है, राइट? जो सबसे ज्यादा प्रेशर सर्वाइव कर लेगा दैट इज अ डायमंड, राइट? सो दैट्स द सीन. यहाँ पे भी वैसा ही, जो प्रेशर हैंडल कर सकता है वो मतलब इंडस्ट्री में छा जाएगा. या ग्रेट. बस अभी हमारे सब बच्चों ने सुन लिया आपका ट्रिक कैसा है पहचानने का. हर स्टूडियो में प्रेशर होगा, ये होगा, इट ऑल डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट एंड हाउ इट इज हैंडल्ड. सो लाइक कोई भी स्टूडियो में होगा कि हाँ चलो हमेशा प्रेशर हो रहा है, जो मैंने सुना है बहुत लोगों मेरे कॉलिग से जो अलग अलग स्टूडियोज में है, बड़े बड़े स्टूडियोज में, कि नहीं बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, आज भी काम करना है, आज भी नाइट है, ये है वो है. सो हमारे यहाँ पे भी होता है नाइट, ये कि रात को करना है वैसा, बट देन वी हैव लाइक हाँ आज रात को करना है, खत्म हो गया, एंड देन वी हैव लाइक 2-3 डेज ऑफ, वी कैन चिल एंड ऑल. वैसे भी होता है कभी 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 कभी. हाँ हम लोग कैसे ऐसे, ऐसा नहीं है कि लाइक प्रोजेक्ट कंटिन्यू चलता ही रहे एंड यू नो हमेशा ये खत्म हुआ तो दूसरा लो लो, ऐसा तो वी हैव टू टेक अ ब्रेक आल्सो. या सो वो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. या या आई थिंक बिकॉज योर स्ट्रक्चर इज लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रीलांस आर्टिस्ट, वो करना भी पॉसिबल है शायद, राइट? एंड या दैट्स नाइसली विद योर थिंग. या गुड. या सो वी एंड सो इवन फॉर आवर ऑफ टाइम वी लाइक हम लोग प्लान करते हैं कि चलो अभी सीखते हैं, हमेशा सीखना मेन तो हमारा चीज है, सीखना. हम लोग एक्चुअली अभी भी काम नहीं कर रहे, हम लोग सीख रहे, काम करते करते सीखते रहो, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है. एंड दैट इज सो लाइक सो इंपॉर्टेंट. या सो जस्टिन है वो दिन बस रात को बैठ के वो सिर्फ रिसर्च करता रहता है कि ये क्या बोलते हैं कि क्या नया है आफ्टर इफेक्ट्स में, क्या कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर में, क्या कर सकते हैं, कुछ नया प्लग इन आया है ये यूज कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ स्टफ. सो बेसिकली ग्रुप बनाया है हम लोगों ने लाइक कम्युनिटी का. सो यू नो कुछ भी नया ट्रेंड आता है, कुछ नया प्लग इन और सॉफ्टवेयर, I mean whoever gets the news we share it with everyone, you know कि अरे हाँ ये try करते हैं. तो उसके बाद फिर when I get free time तो मैं like I fire up my computer and you know तो I try out the experiments and you know stuff. So वो idle नहीं बैठना चाहिए किसी ने, right? That motivation होना चाहिए, inspiration होना चाहिए. I surf on Behance, ArtStation, इतने सारे portals हैं social media में, इतने सारे artists हैं. You know, watch their work, you know, get inspired, you know, and फिर ऐसा लगता है कि अरे ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, you know, so, you know, ऐसा नहीं है कि like, you know, वही scale में करना है, at least attempt करो, that is main, you know, तो ऐसे idle मत बैठो, you know, कि अरे हो जाएगा, वो नहीं होता ऐसे, you know, you have to keep on practicing. So, yeah, and then, plans भी बनाते हैं कि चलो ये movie आई है जिससे सब देखेंगे तो कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चलो ये 3D movie देखते हैं, ये करते हैं. Then I have my VR kit, so we experiment on VR as well. चलो paint brush करते हैं VR में, 3D तो कर ही रहे हैं अभी, let's try VR. Yeah, lots of you have to keep up with the trend. Latest technology अभी इतना evolve हो रहा है, like 10 years back things were different. आज इतने सारे अलग softwares हर चीज के लिए, you know पहले manual होता था, अभी सब automatic हो गया है, तो you know तो वो भी important होता है कि you know you have to keep up with the and we always try to optimize our work. Like, इस बार हम लोग को 2 दिन लगे है, 4 दिन लगे ये करने में विद दिस सॉफ्टवेयर, लेट्स ऑप्टिमाइज इट एंड सी कि 2 दिन में आराम से कैसे कर सके कुछ नया करके जो लाइक प्रॉपर आउटपुट भी दे. स्मार्ट वर्क बेसिकली, वी फोकस ऑन स्मार्ट स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क. आई मीन ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट यू नो व्हेन इट्स अ प्रेशर ड्रिवन एनवायरनमेंट एंड डेडलाइन ड्रिवन एनवायरनमेंट, तो आपको स्मार्ट वर्क वो इंडियन वर्ड में जुगाड़ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So, tell me one thing, plugins पे rely करना, ये अपनी industry में आने के लिए कम से कम student life में advisable है या नहीं है? What do you think? I would say it's not advisable. I mean वो जैसे कि मैंने कहा अभी सब automatic हो गया, पहले manual था, तो manual process बहुत important होता है. That is the base.
तो वो आपका क्लियर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल रोटोस्कोपी हो गया, आजकल सॉफ्टवेयर भी आते हैं यू नो टू मेक इट ऑटोमेटिक, तो बट वो मैनुअल प्रोसेस पता होना चाहिए. यू नो अभी आजकल डिजिटल पेंटिंग है, पहले के जमाने में फोटोशॉप ये सब कुछ होना रहता था, वाटर कलर पेंटिंग्स होते थे, तो वो इम्पोर्टेंट होता है. दैट इज लाइक द मोस्ट स्किल्ड आर्टिस्ट राइट नाउ. यू नो तो पहले जो पूरा मैनुअल प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये सॉफ्टवेयर प्लगइन्स पे रिलाय करना आई वुड नॉट, आई मीन ऑफकोर्स वो लाइफ इजी करता है, बट देन यू नीड टू नो ऑल्सो द मैनुअल प्रोसेस, द बेस क्लियर होना चाहिए. यू नो तो उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. आई वुड सजेस्ट लाइक टू एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स की डोंट डिपेंड ऑन प्लगइन्स, बिकॉज अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एनिमेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप प्लगइन के भरोसे एनिमेट करोगे तो क्या होगा कि हर स्टूडियो में वो प्लगइन अवेलेबल नहीं होगा. You know, so you need to know, वो जुगाड़ भी पता होना चाहिए. You know, कि अरे ये plugin नहीं है तो इसके बाद otherwise मैं कैसे, तो वहाँ पे अटकना नहीं चाहिए. That gives a very bad impression. So you need to know the base that clears you know everything. Yeah. So वो structure बहुत important होता है. Foundation जो है ना main चीज, foundation कोई भी चीज का, like even a technique और कुछ भी, जो technique है वो आपको आना चाहिए. Software में कौन सा button दबाना है वो नहीं, क्या technique है, कैसे use होता है वो आ गया ना, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में वो सेम चीज कर सकते हैं. आपके आपको ढांचा आना चाहिए कि नहीं ये हड्डी में बॉडी में यही हड्डी होना, ऐसे ही हड्डी बनाना है, फिर आप माया में बनाए ब्लेंडर में बनाए सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही चीज है. लेकिन मेन आपको आना चाहिए कि ये कैसे करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो अरे हाँ ये बटन से हो जाता है, ये पूरा मॉडल क्रिएट हो जाता है, प्रेस करो. हाँ उसमें आप कुछ सीखोगे, फिर अगली बार कोई और सॉफ्टवेयर आ गया और आप बैठे रहे कि नहीं ये तो उसमें तो ऐसा होता था, ऑटो बटन था, अभी मुझे तो है नहीं, मेरे को ये नहीं करना था, तो वो हो जाता है. आई हैव नोटिस्ड स्टूडेंट्स डूइंग दैट, सो यू नो दैट्स अ वेरी बिग यू नो नो यू नो आई वुड सजेस्ट, सो डोंट रिलाई ऑन दैट. वो मेहनत करो, इनिशियली मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन यू नो प्लगइन्स आर बेसिकली द स्मार्टेस्ट वे टू यू नो डू थिंग्स. यस, बट देन आई वुड नॉट सजेस्ट रिलाइंग ऑन दैट. यू नो तो वो चीज होता है. Okay. तो कोई भी नए फ्रेशर्स हम लोग जब आते हैं उनको काम करवाते हैं, तो हम उनको प्लगइन्स कुछ नहीं देते उनको, हम बोलते हैं सिर्फ ये है तुम्हारा सॉफ्टवेयर बेसिक है, इस पे ही काम करो, भले ही 10 दिन लगे तो इस पे ही काम करो. फिर स्लोली स्लोली हम ऐड करते हैं कि अगर अभी ये प्लगइन यूज करेगा तो इट विल बी फास्टर. ये जो पूरा मैनुअल 1-2 घंटा लगा है वो अभी एक तुम्हारा आधे घंटे में हो जाएगा. सो उससे क्या होता है कि बेसिक्स भी क्लियर है, एंड देन ये तुम्हारा प्लगइन भी, एक plugin is like this help, basically. Yeah, it's a help thing. Yeah. So next time if there is no plugin in this machine or कुछ नया मशीन आया but फट से काम करना है, तो everybody is ready कि नहीं ये तो मेरे को आता है, ये ऐसे कर लेंगे, कोई problem नहीं. अगर plugin अटक गया, कुछ error आया, फिर भी yeah, we are like हाँ चलो manually हो जाएगा. So main So I have two quick technical questions. One is आजकल blender का भी use काफी बढ़ने लगा है industry में, if I'm not mistaken. तो क्या कंपोजिटिंग का और VFX से रिलेटेड जितने काम है वो भी ब्लेंडर में हो सकते हैं, या उसके लिए कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं? दिस इज वन. और दूसरा एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि एनिमेशन के लिए VFX करना और लाइव एक्शन के लिए VFX करना, इसमें डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है? सो पहले ब्लेंडर वाला. ब्लेंडर लाइक मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्लेंडर में, बिकॉज can you repeat the question? हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अभी थोड़ा थोड़ा डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली इन द लास्ट 4-5 years. दिस इज द ट्रेंड. एंड वॉट आई हैव हर्ड इज कि ब्लेंडर में पूरा मतलब VFX का भी, पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम हो सकता है, प्रोडक्शन का भी काम हो सकता है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि VFX से रिलेटेड या कंपोजिटिंग से रिलेटेड ब्लेंडर ही होता है as an alternative to Adobe softwares, या कोई और भी options हैं? VFX में if you go to see market में like the topmost software probably is Nuke right now, ठीक है, and it's been earlier as well. तो and then After Effects में भी comping compositing होता है, VFX होता है, then Blender में भी होता है. So but Blender is more dedicated 3D software. I'm not saying कि उसमें comping ये सब नहीं होता, of course उसमें भी होता है, but then जो specialized software है like you know well equipped for doing VFX is Nuke, जिसमें comping you know ये, and motion graphics के लिए for example Nuke is not advisable, it is After Effects, you know.
एंड मॉडलिंग हुआ या एनिमेशन 3D एनिमेशन हुआ देन दैट इज ब्लेंडर आई मीन आई वुड प्रेफर यू नो यूजिंग ब्लेंडर फॉर दैट बिकॉज 3D ऑब्वियसली इसमें आफ्टर इफेक्ट्स और न्यूट में नहीं होता ऑफ कोर्स कॉम्पिंग हो सकता है बट देन एनिमेशन अगर आप 3D मॉडलिंग ये सब करो तो उसमें ब्लेंडर में ही आई वुड प्रेफर डूइंग दैट तो वो एक चीज है वेल ब्लेंडर मुझे 2011 में जब मैं रिदम एंड यूज में था तब मेरे कॉलीग्स ट्राई कर रहे थे तब मुझे पता चला कि ब्लेंडर नाम की कोई चीज है ओके सो वो सॉफ्टवेयर मैंने भी 2011 में हम लोग ने ट्राई किया कि हाँ इसमें है तब देयर वर वेरी फ्यू और या देयर वर नो लाइक VFX का फीचर इट वाज टोटली 3D जस्ट टू किल माया इट वाज लाइक अ कॉम्पिटिटर टू माया ओके ओपन सोर्स फॉर माया सो देन स्लोली इट डेवलप सो मच ब्लेंडर में कि लोगों ने प्रोजेक्ट्स चालू किए आपने बहुत सारे फिल्म्स देखे होंगे ब्लेंडर फिल्म्स सो लाइक एवरी ईयर दे मेक अ फिल्म एंड देन दे इंप्रूव द सॉफ्टवेयर ऑन दैट फिल्म सो स्लोली अब ये ऐसा हो गया कि जो नया ब्लेंडर आया है उसमें है लाइक यू हैव लाइक VFX यू कैन डू फोटोशॉप एज वेल लाइक इट्स लाइक माया आफ्टर इफेक्ट्स फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी बोर्ड्स एंड एवरीथिंग बट या ये अभी तक चल रहा है लाइक फॉर 3D इट इज Now the software like you can close down Maya and then you can use Blender now for 3D and texture everything now. But VFX के लिए ये अभी आया and people are more comfortable with Nuke and After Effects and like few people also work on Fusion and stuff. But वो ये slowly अभी Blender पकड़ रहा है but अभी थोड़ा time लगेगा but मेरे हिसाब से as a studio people will adapt to Blender because it's free. It's like And even if you have to invest something, it'll be cheaper for like small studios to invest on Blender than in any other software because wo sab lakhs mein jata hai. Even your like every software it goes, it's very expensive. But ye Blender hai aur iska pipeline bhi very easy hai. Agar aapka ek software mein sab kuch ho jata hai, to that will be more preferable than using multiple softwares. But currently, we are all focused on like our studio is focused on After Effects, Cinema 4D. Like we work on those softwares for our work. Because these are specific, like After Effects is meant for what it is, like green screen removal, VFX, all that stuff is like, it is meant for that. It is made for that. Ki haan, isme toh ye hona hai. Isme nahi hoga toh kisme hoga. It's like that. Same mm-hmm. with Maya, like 3D banana hai, ye karna hai, toh aapko Maya mein karna hai. Motion graphics mein agar bahut achha karna hai, toh C4D is there, which is very easy. So, wo sab cheeze hai. Blender mein ye sab aa raha hai. We are also learning Blender ki slowly what we can do, what we can use on it. Wo sab kar raha hai. But we specifically we are in love with After Effects. We just do After Effects. You need to find what you are more yeah. interested in. Yeah, yeah. Like, if you are motion graphics mein interested, ho, to you know Cinema 4D and After Effects like other go-to softwares for right, that. Right. The 3D karna chahte ho, to there are a lot of you know like Max hai, Maya hai, Blender hai. Mm-hmm. You know, to choose. I mean, sab seekhne ki zarurat nahi. Exactly. You know, ek mein specialize karo. You know, and then agar jaise aapko 3D karna hai, aapko Blender choose karna hai. ये पास चाहिए तो मुझे ये चाहिए ऑक्लूजन रेंडर करना है ये करना है बोन्स सेटअप करना है सब इट्स द सेम थिंग ओनली थिंग इज बटन कहीं का लेफ्ट होगा कहीं का राइट होगा बेसिकली आउटपुट यूआई का फर्क है या आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई ये नहीं आप फिल्म कुछ प्रेजेंट करो किसी को तो आपको ये नहीं पूछेगा आपने ये कैसे किया कौन से सॉफ्टवेयर में किया कौन सा प्लगइन यूज किया वो नहीं पूछते आप किसमें भी करो आप जिसमें कंफर्टेबल हो एग्जैक्टली बट फाइनल रेंडर इज वी स्पेशलाइज्ड इन व्हाट यू नो दैट सॉफ्टवेयर एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि एनिमेशन के लिए VFX या लाइव एक्शन के लिए VFX इसमें कुछ फर्क होता है क्या या इट्स जस्ट द सेम लाइव एक्शन में द ओनली थिंग दैट इज टू बी डन इज इसमें बहुत लाइक कॉम्पिंग होता है यू नो VFX कॉम्पोजिटिंग होता है फिर मोशन ट्रैकिंग होता है इफ देयर इज अ कैमरा मूवमेंट देन वो इंटीग्रेशन होना चाहिए लाइव एक्शन में अगर लाइव एक्शन ये एंटायरली यू नो एनिमेटेड है तो उसमें कॉम्पिंग ऐसा एज सच नहीं होता बिकॉज आप जो फ्रेम में काम कर रहे हो आपको पता है कि क्या कलर्स कैसे एडजस्ट करना है एंड एवरीथिंग You know, आप अगर लाइव एक्शन में आप ग्राफिक्स इंटीग्रेट कर रहे हो एनिमेशन एंड ऑल तो उसमें आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है जैसे ग्रेन्स हुआ या कलर करेक्शन हुआ यू नो कॉम्पोजिटिंग हुआ एंड एवरीथिंग लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट नीड टू बी यू नो इंटीग्रेटेड टू यू नो लुक मेक इट लुक सीमलेस
यू नो एनिमेशन अगर कम्प्लीटली हुआ तो उसमें आपको इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता बिकॉज आपके ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस प्रिपेयर्ड हैं तो आपको सिर्फ बेसिकली एनिमेशन पे ही फोकस करना है. लाइव एक्शन में वही एक चीज होता है, यू नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर इन्वॉल्वड. लाइव एक्शन में कैसा है कि यू हैव द फुटेज एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस फुटेज, दिस स्पेसिफिक फुटेज, यू कांट चेंज इट. हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं इसका लाइटिंग बराबर नहीं है जब वापस शूट करके. बट इन एनिमेशन if there is, we have this freedom at least ki, to tell the previous department ki, can you please send me this pass with this color so we can work on it and we can change something and we can add on it. But ye wohi main farak to mere hisab se to wohi hai ki aap kisi ko bol nahi sakte ja ke wapas shoot karke aao ye karna hai ye galat rahega yahan pe light on rahega waisa kuch nahi kar sakte yahan. Aur animation mein we have this freedom to like pass it on to others to department ki ha ye kar do. So it'll be better to give you a better output and stuff. Main cheez hai. Animation mein VFX karna zyada aasan hai because it gives you more control. Yeah. The control, yeah. Overall, the it's main about the control. Warna aise dekha jaye to dono same hi hoga main, but sirf yehi cheez hai ki control ka. But suppose agar aapka wo locked hai, sab kuch rendered hai, then you are just compositing, then it's the same thing ki dono mein wohi same cheez. Yeah. All right. So I think this was a very nice interaction and मैंने भी अपने कुछ सवाल पूछ लिए उसमें. So now we will hand it over to you. So आप आपके शो रील दिखा सकते हैं, बच्चों को उसका ब्रेकअप्स वगैरह बता सकते हैं and then students will be asking questions. Before that there's just one question from our faculty. Harshal sir. Sir I will unmute you. You had raised your hand so if you have a question you can please ask. So I just wanted to make you all go through our website first. Okay. So usme like we have our work profile where we can show you our stuff. So our studio, like me and Justin, we mostly focus on motion graphics and VFX. So we have like done so many projects where we have used motion graphics and VFX together. I'll show you like hamara jo abhi latest tha ye I'll just go through this Hero Ranja jo aap logon ne dekha hoga. शांक आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा इसका ऑडियो थोड़ा कम कर दो तो वी विल बी कर. So yeah, as you can see, it's like totally illustration and animation. So after, it's Illustrator and After Effects. Just these two softwares for the whole video, where we've animated each and every layers, like layer wise, har ek cheez ko, even the text and everything with lighting and stuff. So this was a music video which we had done. So it has like 2D. So this is like a hand-drawn 2D animation. These are done in After Effects, illustrations, Illustrator. But then we have something like this. So we have done like lots of different styles of videos. So as you can see this in this video, we have done the like camera track for these stuff. We have comped photos here. And then there is a text animation, line animation, tracking, so it's not specific ki har video mein sirf kuch green screen hatana hai ya roto aayega, aise bhi kuch bhi aa sakta hai, like there are lots of things which you can work on. So if you just so if you can see this, these are few line art animations which we had done on this video for Be Unique. Then we have like a fully animated video. Geography.
mixture of so this was a mixture of 2D animation, After Effects animation, and illustrations, where we have like combined hand-drawn animation with our digital animations. And then we have so I can also show this. So this was a video which I had done for Kyunki, where we had like we just had green screen footage where these guys had just made music and shot. So I just added backgrounds for the specific cartoons and then edited it. Seju 26. Okay. Okay. One second. Yeah. So I'll one second. The screen sharing is paused. Well, I can see cartoon medley wala. Yeah. One second. So can you see the screen? The folder. Yeah. Yeah. You can see, right? So I'll just show you Justin's. Just like I'll just show you the showreel first, and then I can break down all the like the shots. Yeah, but we couldn't see the VLC, by the way. Sorry. Thanks for letting us. Yeah. I just played on YouTube. आपने entire screen share किया था या कोई एक particular video? ये है ना शेयर स्क्रीन, ये स्क्रीन है. हाँ, ओके. सो यू कैन डू एंटायर स्क्रीन. ये होगा कि व्हाट डू यू डू. वी कैन सी. ओके ओके ठीक है. या So Rushal, can you hear me? Yes. Yeah. So I'll just go through my showreel and break down each and every shot that has been done. So that will be easier for the students also to. Yeah. So my advice is ki aapka VLC ka volume kam kar do taki background music mein aapka awaaz. I'll just turn it off. Come now. After this. Nice. So our major work is done in After Effects. इतने सालों से जो भी हम लोग ने मेजर काम किया होगा सारे आफ्टर इफेक्ट्स में किए. दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज होता है लेकिन मेजर काम हमारा जो भी है लाइक कंपोजिटिंग एनिमेशन वीएफएक्स हम लोग सब आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू ही करते हैं. रुशांक आपका क्या हो रहा है कैमरा में? दोनों में से कोई भी एक नहीं दिख रहे हैं वेबकैम में.
अच्छा तो अभी खुला 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 अच्छा अरे कल ही अपडेट हुआ ना तो ये लगा देना So this was my last film that I had worked on. I mean, it was a commercial for Ford. So ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ. Can you see the screen? Yes, but there's no audio, I guess. Yeah, no, yeah. अच्छा एक मिनट. So it's already on the show. Yeah. Okay. Let's check. Marathi is fine. So this was the film that I did last. Isme kafi VFX tha. So I'll just show you the final video and then I'll break down all the shots. बोल संदीप. क्या हाल है यार? बस ठीक. यार अभी भी नाराज है क्या? बिल्कुल नहीं. यार मैं नहीं आ पाया यार उस दिन. आई नो तेरे लिए इम्पोर्टेंट था पर यार महीने हो गए उस बात को भूल जाना यार. अब यार तू रहने दे. बचपन से दोस्त हैं हम. हर छोटी से छोटी चीज साथ में करी है हमने. और उस दिन का तुम छोड़. अब तू इतना बिजी हो गया ना कि फेस्टिवल पे भी एक सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज कर देता है. इसलिए तो अब आया हूं ना. चल दरवाजा खोल. क्या अभी दिवाली आ रहा? अभी दिवाली. अरे वाह नई गाड़ी खरीदी और बताया भी नहीं. तो ये बात भी मैं तुझे मैसेज में बताऊं? हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली यार. कैसे लगी? गुड चॉइस. इस फेस्टिवल खोलो दिल के दरवाजे और करो एक नई शुरुआत फोर्ड के साथ. फोर्ड कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग. सो आई जस्ट क्रैश हो गया. सो आई जस्ट गो थ्रू द रील and break down each and every shot. And for what? This was done for Tata. Can you hear my voice? We can hear you. Yeah. Okay. So this was done for Tata, I guess. Yeah. This was for Tata Chinese F1 race. In China. So basically they wanted to show like, you know, the main focus was the speed that needs to come out. So we did the illustration for we designed the idea was ki, you know, speed suggest hone ke liye the best thing was like, you know, they have F1 race. So ye sab like we did this in After Effects only. Ye jo streaks and everything was comped in After Effects. This is basically a simple text animation that we did. तो इस पे ग्लो एंड एवरीथिंग डाल के आई मीन दिस वाज लाइक अ सिंपल वर्क. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. इट हैड अ लोगो व्हिच एंड दिस वाज डन इन लाइक बेसिकली 2D स्टफ. तो ये दिस वाज फॉर अ ब्रांड कॉल्ड फास्टन अप एनर्जी ड्रिंक कैप्सूल्स. सो दिस बेसिकली इज नॉट 3D. दिस वाज डन इन आफ्टर इफेक्ट्स एंटायरली एंड दिस इज लाइक 2D. ये पूरा सब बॉक्स प्लेन. हाँ ये हम लोगों को ये बेसिकली द ओपन फाइल मिला था. ईच एंड एवरी
एंगल के जो बॉक्स का जो ओपन फाइल था एंड देन वी क्रिएटेड दैट बॉक्स एंड देन ये सिंपल रोटेशन है जो वी डिड दिस इज बेसिकली द सिंपल सिलेंडर एंड यू नो टेक्स्ट एनिमेशन. This was purely an experiment. This was the smoke simulation was done in After Effects using a plugin called Trapcode Particular. So I have a habit of you know working on experimenting on new plugins. So you know, so I thought ki like you know let's create a concept you know like a rocket. I mean this is obviously realism pe focus nahi hai yahan pe. तो यहाँ पे लाइक वी क्रिएटेड दिस इन इलस्ट्रेटर आई क्रिएटेड दिस एंड देन एक ट्रेल दिखाया एंड वेयर द रॉकेट इज लाइक यू नो इग्नाइटिंग एंड यू नो सो तो ये अगेन दिस ग्लोब जो है ये लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में ही बनाया है. यू गेट 3D मैप्स लाइक यू नो ऑन अगर आप कोई प्लैनेट के मैप्स देखोगे उसे so just for example this you get like lot of high res images and then to yahi ek sphere mein convert karke and then wo basically rotation deke and you know ye add kiya hai and from movement diya hai camera ka and then this fish itself is like a 2D image and usko perspective mein aise angle karke is pe thoda strokes add karke you know to give that feel of that energy feel to it. This was basically a simple illustration animation to isme entirely again done in After Effects. These are again illustrations that you know these icons are basically popping up on screen and you know there's a camera movement in 3D. Now this was a very interesting project. तो दिस वॉज डन फॉर मामी फिल्म फेस्टिवल जियो मामी फिल्म फेस्टिवल. तो इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये था कि पूरा मुंबई का लोकेशंस दिखाना था. सो बेसिकली दीज आर ऑल लेयर्स यू नो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स विच हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन 3D एंड सो द कैमरा जूम्स इन पास्ट लाइक राइट फ्रॉम स्पेस एनवायरमेंट एज यू कैन सी हियर एंड देन दीज डिजाइन एलिमेंट्स दैट फॉर्म gradually like you know in 3D space and then there's submarines and fishes you know to signify that's a sea and then the boat again all done in After Effects. This was again an experiment using Trapcode plugins. Now this again was a simple 2D animation. तो इसमें अभी आप देखोगे कि तो इसमें एक मूवमेंट है 3D का. सो बेसिकली दीज आर ऑल शेप लेयर्स. तो ये ईच एंड एवरी पॉइंट एनिमेट करके टू गिव दैट फील ऑफ अ डेप्थ यू नो सो दैट दे आर रेजिंग दे आर हेड यू नो एंड ओपनिंग द आईज इन द मॉर्निंग यू नो एंड ऑल दीज लाइटिंग एंड स्टफ हैज बीन एडेड इन आफ्टर इफेक्ट्स इन पोस्ट. So I'll just this is again experiment done in After Effects using Trapcode plugins. Again same. Now this is a very challenging animation that was there considering the deadline that was given. So basically this particular scene the alarm clock morphs into a coffee machine. So these are again done in shape using shape layers. So ये काफी interesting like technique था, काफी सीखा मैं ये चक्कर में. So this again no 3D involved. This is again all 2D stuff. Yeah. So this was for Sejutronics. इसका video. I'll show you the video later on. This is one of the shot that I had worked on. So basically she is on a black screen entirely and ye fir jo illustrations hai ye add kiya hai isme fir glow deke ye strokes animate karke it is not green screen basically it's a black screen entirely.
This is again done in using Element 3D in After Effects. This look gives a feel of 3D, but it's actually fake 3D. So these are atmospheric elements that have been added, the wind and everything, all done in After Effects. This is again a logo animation using Trapcode Particular plugin. Now this shot was a screen replacement shot. This was green screen basically with track points. So we had to track the phone and place the screen on top and then the roto out the fingers so that interaction dikhe. And when he taps on the phone, so these animations pop up. This is again a black screen showing HUD interface. Where she's swiping. So this was done on a black screen with no screens, obviously. So only the motion. And then we added the screens on top of it and blended according to the lighting. This was again in 2D. This is again. Now this was also very interesting for Horlicks. We had done this. So these are all illustrations animated in 2D and we need to prepare a lighting as such where the shadows and everything, it needs to look very, beautiful. It should not look very monotonous and, robotic. The lighting has to be matched and, and go well with the animation as well. Now this was shot on a green screen. He was behind a green screen. We had to, remove the green screen. And there was little roto stuff also on his hand. And this was entirely the background. As you can see, it was entirely illustration. The rain has been added. This is basically a stock image, the hand, as you can see. And this was done in, particle simulation. And even the rain, as you can see. This was again an experiment using a plugin called Plexus in After Effects. This was simple 2D flat animation. This was again an experiment. So basically, this was entirely done in After Effects. I'll just show you the Ford film breakdown quickly. You can see the screen, right? Yes. Hello? Yeah. Oh, okay. So this again was a green screen. This was comparatively a very simple shot because not much tracking was involved in this. Not much motion. Yeah, as you can see, there's no very less camera movement in this. So it was much easier to track. So we comped it and replaced it with the screen. Then this shot had a green screen. So I'd like to point something out over here. If you can see the lighting, it's well lit, so that makes your life very easy, to key out the footages, so I even the spill you can see on his body. So we had to remove that. I'll just show you the output, so we had to create a background with the lightings and, to signify a feel of, a Diwali festival. So in this shot, if you see these lights, Diwali lights, they are not in a straight line, So, it was comparatively an easier job, but even aisa sab kaam bhi aata hai, where, a director wants you to, do these minor changes on the shot. If you can see the lights right now, to ye kaafi wavy hai. So we had to fix that, and keep it straight.
सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हाइल शूटिंग ना ये ध्यान नहीं होता है. सो इफ यू सी ये पहला शॉट है इनसाइड द कार. तो इसमें ये जो विंडो है ये रोल डाउन है थोड़ा सा एंड देन जो नेक्स्ट शॉट है इसमें ऊपर हो गया. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इश्यू आ जाता है. सो द डायरेक्टर वांटेड यू नो कि ये स्क्रीन आई मीन ये प्रॉब्लम है. सो वी विल हैव टू यू नो फिक्स दैट. सो व्हाट वी डिड वाज यू नो टेक दिस शॉट एज अ रेफरेंस यू नो कट आउट दिस इमेज इन फोटोशॉप एंड यू नो एड इट ओवर ऑन दिस शॉट. सो अभी आप अगर देखोगे तो ये फिल हो गया. सो बेसिकली इट्स टेकन फ्रॉम दिस शॉट एंड यू नो प्लेस्ड इट ऑन हियर एंड थोड़ा सा लाइक यू नो ट्रैकिंग इन्वॉल्वड है उसमें. दिस इज अमेजिंग. मतलब कैसे हमने तो किसी ने मतलब एटलीस्ट मैंने तो वो नोटिस ही नहीं किया जो तुमने बोला अभी. सो नहीं ये सब दैट इज द ब्यूटी ऑफ यू नो इनविजिबल वीएफएक्स. इट इज कॉल्ड इनविजिबल वीएफएक्स. इसमें पता नहीं चलता कि लाइक कहां पे वीएफएक्स. मतलब जब जिस दिन आपको पता ना चले कि कुछ काम किया है उस दिन हमारा ये है कि हां बहुत अच्छा, अच्छा काम किया है. या तो और भी शॉट्स हैं एक्चुअली जिसमें आप बताऊंगा मैं क्या हुआ था. तो ये एक हो गया एंड देन ये अगेन द ग्रीन स्क्रीन फुटेज. सो इसमें भी सोचना पड़ता है कि पीछे अगर सिर्फ ग्रीन स्क्रीन हटा के कुछ डाल दिया. So that हाँ, वैसा नहीं होता because perspective भी important होता है, lighting important होता है, and then depth also is important कि हाँ पीछे blur होगा because this guy is in focus, वो भी सब सोचना पड़ता है. So we have to take into consideration the camera also, the focal length and everything, and match the blur according to the focal length as well, you know. So okay, show the next shot. Again, इसमें भी the lights have been fixed. As you can see. Nice. Very subtle change, but it's there. So now this was a good, you know, shot to work on. I'll just show you the main shot actually. It's maybe the director wanted, you know, ये जो portion है wall का, तो ये blue था. So they wanted it to change to something, you know, that blends with the interior room. So, वो भी टोन डाउन किया है. सो बेसिकली यहाँ पे मास्क मार के उसको उस पर अलग से सीसी करके लाइक कलर करेक्शन करके वो टोन डाउन किया है कलर एंड देन यू नो ब्लेंडेड विद द सीन एंड थोड़ा सा ट्रैकिंग भी इन्वॉल्व था इसमें. सो या सो दिस शॉट वॉज ऑल्सो क्रोमा शॉट. सो मैं ओरिजिनल दिखाना चाहूंगा पहले. So you can see, तो इसमें लाइटिंग इतना ब्यूटिफुली किया था तो ये लाइक मेरा काम बेसिकली आधा हो गया था इसमें. तो ये वन क्लिक लाइक बटन में ही निकल गया था ये ग्रीन स्क्रीन. जनरली इतना ब्यूटिफुल ग्रीन स्क्रीन नहीं मिलेगा एंड काफी टाइम लाइक यू नो द स्टूडेंट्स माइट फेस इश्यूज वेयर ये जो मोशन ब्लर होता है अभी जिसमें यहाँ पे लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द फ्रेम. जैसे ये फिंगर पे अभी मोशन ब्लर हो गया तो यहाँ पे की करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. सो यहाँ पे क्या हुआ था कि सो आई हैड टू की दिस पोर्शन सेपरेटली लाइक मास्क द फिंगर्स आउट एंड यू नो वो लेयर पे अलग से की करके ये किया था बिकॉज ओवरऑल वो जो की वैल्यूज होगा वो काम नहीं करेगा फॉर द फुटेज. So when you are keying, just always make sure that, you know, wherever the subject is, वहाँ पे ये tap करें rather than, you know, clicking over any other area. Because ये main आपको सब extract करना है characters. You know, यहाँ पे कुछ है नहीं obstacle. तो यहाँ पे ये, so always key out, you know, nearby the subject. And then again, the background has been created now. I don't have the background right now. But it's basically... Let me just see if I can. City. I'll take this image for example. तो यहाँ पे तो अभी ये lights हैं. तो अभी if I put this behind over here, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये static लगेगा.
if you notice, I mean, ये मैं play कर दूँगा एक बार shot को. So आप देख सकते हो कि यहाँ light trees and सब इसमें movement है. It's very subtle animation and ye like hardly a second ka shot hai, toh it's like a blink and a miss, but then that gives a different feel to the shot, you know. So all these things are very important when you're comping. So lighting to ek hai. Second thing, you know, like for example, agar maine ye image use kiya hota to, you know, ye to static hai, to main I can't simply put that static image, to wo kuch interaction jaisa feel aana chahiye, like of motion. So what I did was I went online, I searched for some stock footages which had like light ones. So like lights like these that are looping. I'll just show. जैसे ये लाइट हुआ, दीज आर ऑल यू नो हैव मोशन टू इट. सो व्हाट आई डिड वाज, यू नो, एसएसएफ काफी सारे क्लिप्स मैंने यू नो डाउनलोड किए लाइक फ्रॉम रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेजेस, यू नो, लाइक दीज बिल्डिंग लाइट्स, एज यू कैन सी ये इसमें मोशन है. तो आई ब्लेंडेड ओवर हियर. तो अभी सिंस ये ब्लर हो चुका है तो इसमें पता नहीं चलेगा. सो दिस इज नॉट लाइक अ सिंगल वीडियो, इट्स अ मल्टीपल कॉम्प ऑफ डिफरेंट वीडियोस, यू नो, ऑल दीज लाइट्स. फ्री ले दिवाली लाइट ऐड किया है, ये जो फ्लेयर दिख रहा है आपको पीछे, दिस आर ऑल वेरी सटल थिंग्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. ऑल्दो दिस इज लाइक अ 1 सेकंड का शॉट, हार्डली इवन 1 सेकंड तो ये पता नहीं चलता, बट देन दीज इज व्हाट यू नो सेपरेट्स अ बैड शॉट फ्रॉम अ गुड शॉट, यू नो. एंड ऑल दीज इफ यू कैन सी, आई हैड टू मेक श्योर कि ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो स्मजेस हैं ग्लास पे, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू यू नो एक्सट्रैक्ट and put it on top. Yeah, it makes it more real, because agar flat hoga without any shading, without any glass reflection, it will look like a fake thing. Yeah, so wo sab ek important cheez hai jo add karna. Then the spill thing, you know, that and abhi yahan pe to green screen hai, yahan pe to like yahan pe spill hai basically, ye to ye bhi aapko key out karna padta hai. Second thing, ye jo lights hai ye add kiya hua hai, theek hai, and iska reflection bhi hum log ko add karna padega. It all depends on the material, ki ya aas pass kya material hai. रिफ्लेक्टिव मटेरियल है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा. अगर कुछ कारपेट होता तो उसपे नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कारपेट है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा. एग्जैक्ट. सो यहाँ पे ये सेपरेट करके, लेकिन नो, सिर्फ यहीं पे ऐड किया है. सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे ये नंबर प्लेट नहीं है, यहाँ पे ग्रीन प्लेट डाला है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, यू नो. सो बेसिकली द डायरेक्टर आल्सो वांटेड द लाइट्स टू बी येलो, दे ऑल द लाइट्स. आप अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये रेड और ग्रीन लाइट भी है, सो वो तक लाइक वी हैड टू चेंज. सो बेसिकली ये कैसे किया है, इज वी आई टुक दिस पोर्शन, कट इट इन फोटोशॉप एंड लाइक यू नो क्रिएटेड अ प्लेट, एंड यहाँ पे ब्लेंड करके वही इमेज को मैंने बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स में लेके, एंड देयर इज लिटिल ट्रैकिंग आल्सो इन्वॉल्वड इसमें विद 3D. सो वी यूज्ड मोका फॉर ट्रैकिंग, एंड तो यहाँ पे प्रॉपरली ये ब्लेंड किया. सो बट वन थिंग दैट इज बिकम्स अ हर्डल, बिकॉज अभी यू नीड टू चूज विच लाइट आल्सो यू हैव टू टेक. तो अब अगर मैं अगर ये लाइट लेता तो यहाँ पे ये कलर मैच नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे लूंगा. सो आई हैड टू टेक, यू नो, यहाँ पे आसपास के ही लाइट्स लेके ही, यू नो, ब्लेंड करना होगा, बिकॉज ये मैं नहीं ले सकता. मैं ले सकता हूँ, बट देन उसमें ब्लेंड करने में फिर और टाइम जाएगा. बिकॉज़ वॉल का शेडिंग एंड लाइटिंग है, दैट इज डिफरेंट, एंड दिस वेरी सटल, ये ऐसे पता नहीं चलता, बट यहाँ पे लाइट डिफरेंट है, यहाँ पे डार्क है. सो यू नो आई कांट इवन टेक दिस लाइट, यहाँ पे ग्लो ज्यादा है लाइट का, तो ये ब्लेंड नहीं करेगा. सो यही एक दो लाइट्स लेके ही इसको ब्लेंड. यू आर लकी कि ये मिल गया, अगर ये नहीं होता, नहीं मिलता तो देन वी हैड टू यूज दीज द अदर लाइट्स एंड देन कलर करेक्ट करेंगे. एग्जैक्टली. देन यहाँ पे भी इफ यू कैन सी ये पाइप, तो ये कैमरा है वो पाइप, आई डोंट नो व्हाट. सो द कैमरा, तो ये भी निकालना था, तो ये भी एक प्लेट क्रिएट करके, ये तो इसका तो ऑब्वियसली यही पोर्शन लेके इसको शिफ्ट किया है यहाँ पे, and then you know blended according to that.
it should look seamless. And even the this window, it was like quite distracting for them. So wo bhi like nikalna pada tha. So basically ye plate leke isko yahan pe shift karke is pe fir Photoshop mein thoda touch up deke, and you know, give that perspective ka feel, and then add karke track kiya hua hai. Sorry. So number plate ka bhi ek issue yahan pe aaya tha, and wo tha ki ये जो हेडलाइट्स है इसका फ्लेयर जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट था. लाइक यू नो इफ आई क्रिएटेड द नंबर प्लेट तो यहाँ पे ये लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है मैच करना, यू नो, बिकॉज अगर मैं इसका एक स्टिल ले लूं एंड यहाँ पे तो ये फ्रेम पे आप अगर देखोगे यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट लेवल डिफरेंट है और वहां पे नंबर प्लेट पे कॉन्ट्रास्ट लेवल डिफरेंट है. सो वो लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है एज एंड व्हेन यू नो द ऑब्जेक्ट मूव्स. अगेन द सेम थिंग ओवर हियर विंडो द लाइट एंड द लाइट्स लाइट था फिर ये विंडो द पाइप एंड द नंबर प्लेट एज वेल. सो इफ यू कैन सी इसमें एक मिनट तो यहाँ पे भी द ग्रीन लाइट था तो ये भी हम निकालना था तो उसको ग्रीन करके चेंज किया. नाउ इफ यू सी यहाँ पे ये ओरिजिनल प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ही इज ओवरलैपिंग द लाइट्स राइट नाउ एज यू कैन सी. तो बेसिकली ये प्लेट क्रिएट करके we had to roto his head out so that wo seamless lage and aisa nahi lage ki you know that you know stand out kare kuch. So it needs to look seamless. So basically we had to roto out the specs, the hair, and you know, the body movements as well. Yahan pe bhi aap notice nahi karoge but yahan pe bhi ek रेड और ग्रीन लाइट था तो यहाँ पे भी वो भी हटाया है. अगेन द सेम थिंग यहाँ पे भी पोर्शन वो फिर देन वी हैड टू रोटो आउट द हेयर. अगेन द सेम थिंग सी आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी एक लाइट है ग्रीन का तो ये तक हटाना था फिर यहाँ पे all these things. So overall आप shots में देखोगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि सिर्फ हाँ ये हटाया वो हटाया but there are like very minute detailings which yeah, small like, things that you know we have to take care of. So यहाँ पे भी था सो यहाँ पे भी लाइक सेम थिंग. सो लाइक सो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये एक कटर का ही आई थिंक लाइट रिफ्लेक्टर का एक शैडो आ रहा है या व्हाइल शूटिंग जो कटर होता है जो लाइट काटता है उसका रिफ्लेक्शन काटता है तो उसका हाँ तो ये तक वी हैड टू फिक्स. सो इट नीड्स टू लुक वेरी सिंपलेस द ब्लर नीड्स टू मैच द फेदर एंड एवरीथिंग. This was a tricky shot because again the number plate issue perspective change ho raha hai and plus you know the blur needs to be matched, you know, to sirf aisa nahi hai ki dal diya track kar diya ho gaya, the color, the flare, the motion blur, everything needs to match. Yeah, plus lens distortion, yeah, jo corners pe hota hai. So yeah, that was it for the VFX breakdown. Anything you want to add? Nothing, I think this is like all summed up. Yeah. Over to you, Rushal. Yeah, I think this is so wonderful. मतलब हम लोग बात करते आए हैं कि एक eye for detail होना बहुत जरूरी है ये काम करने के लिए, but this is really of course.
The greatest VFX is what you know is not noticeable. Yeah. You know, पता नहीं होना चाहिए you know कि हाँ यहाँ पे VFX किया था. It's only when you break down the shot you know. So I thought you know ये perfect रहेगा opportunity you know to break down all the shots. So पता चल जाएगा कि क्या किया है क्या. Right. So like normally also हम लोग एक दूसरे को बेचते हैं काम बेचते हैं हम लोग एक दूसरे को कि हाँ freelancing में जब हम लोग साथ में freelancing करते थे तब अलग अलग. So he used to back and yeah. So he used to send me videos and I used to send him videos. So, अगर कुछ कमेंट किया मतलब गलत काम किया है लेकिन अगर कुछ पता ही नहीं चला कि क्या किया है बस खाली ऐसे थम्स अप डाल दिया कि हाँ चल अच्छा है तो मतलब समझ गया कि हाँ इसको कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ वीएफएक्स किया है तो अपना काम बहुत अच्छा हुआ है लेकिन अगर बोला कि लाइटिंग बहुत अच्छा किया है ये अच्छा फिक्स किया है तो समझ जाने का कि नहीं कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है 90% है 100% तो नहीं है तो वैसे पता चला I always go for pixel perfect. ऐसा नहीं कि लेकिन अरे 19 अरे छोड़ चलता है कोई देखेगा. I mean like maybe it might not even be 1 second का shot, maybe 10 frames का. तो like generally tendency होता है students का कि नो कि अरे कौन देखेगा ये. तो कंटाला आता है उन लोगों का frustration हो जाता है. तो I'm like कि नहीं होना चाहिए तो pixel perfect होना चाहिए otherwise you know then it's pointless you know working. Yeah. And because it's we are not just delivering the product for the client, we are also for ourselves. Yeah, it is for us. Like, अगर ये नहीं हुआ तो हमको नींद नहीं आती कि अरे हाँ ये रह गया था ये पॉइंट रह गया था एंड देन सडनली कोई देखेगा और अरे अगर इसे पकड़ लिया तो अगर इसमें ये रह गया तो सो इट्स ऑलवेज कि हम लोग इम्प्रूव करते कि नहीं अपना काम 100% होना चाहिए लाइक हमेशा एक नंबर. सो मटेरियल सुख के साथ स्पिरिचुअल सुख भी चाहिए. Yeah, great. So I think we can open this session for questions now. And if you look at the chat box, तो कुछ-कुछ समय पे comments के साथ-साथ questions भी थे. But guys, अगर आपको लगता है कि आपको कोई सवाल पूछना है, तो you can start posting in the chat box. Why didn't they use a real number plate? Number plate का issue होता है generally you can't use any number plate. I mean you know like real number plates तो obviously use नहीं हो सकती किसी और का भी car हो सकता है so they don't want to publish their plates. काफी सारी reasons हो सकते हैं and it also matters is कि अभी जैसे कि Ford ने ये ad बनाया है मोहम्मद नासिर ने पूछा है it's in different languages as well अगर आप online उनके channel पे देखोगे तो like what I think is like they can change it to different states as well कि महाराष्ट्र में MH डाल दिया इसमें ये डाले like they can change it anytime they want even if they don't want the number plate they just want Ford का icon there logo there they can do that that's why it's always like preferable to use as a green screen. Shabbir Motiwala पूछ रहा है so my question is that in all your projects which you have done so far you create all vectors from scratch or just use it from Google as vector assets available on Pinterest or FreePic, etc. See, we have our illustrators on board. You know, so generally, kya hota hai ki you can't necessarily get the illustrations on you know Google or anything. I'm not saying ki wo nahi kar sakte, but generally, kisi aur ka illustration we can't use. We have to you know create something original. So we have you know illustrations on board so we do it on scratch of course I mean free pick and you know like flat icons so there's काफी सारे ऐसे sites हैं जहाँ पे use कर सकते हैं but you have to make sure that they are free to use yeah so yeah. The generic icons and generic graphics are there which we use on free pick yeah. Like we have our own premium accounts and stuff which we yeah. Buy but yeah like agar suppose if you have like mujhe ye specific ye wala hi footage chahiye then we contact the artist who has created that and then we get the rights from him and then we can work on. That's how it is man. Okay, Nikhil Khosla is asking, how do you select a color, your color scheme for your project? See, now that depends on the entirely on the client. They have their own brand guidelines, you know, that we have to adhere to. So, wo jo color information hum log ko aata hai, to wahi cheez we have to take into consideration. We can't simply add our own colors to the animations or you know the graphics. तो जो ब्रांड गाइडलाइंस है वही हम लोग को ध्यान रखते इट डिपेंड्स ऑन द शॉट लाइक अभी जो आपने फोर्ड का देखा उसमें जो कलर स्कीम्स है लाइक हाँ कि ये चीज है अगर सपोज हम लोग ने कुछ रेड भड़कीला रेड वेड डाल दिया होता तो मतलब
वो कुछ अलग पड़ता था. सो वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर अबाउट लाइक सराउंडिंग्स, कैसा है, क्या शूट किया है, कैसा है. सपोज अगर आप रात का सीन दिखा रहे हैं घर के अंदर और आप बाहर ये नहीं दिखा सकते कि सनलाइट हो रही है और ऐसा सब, यू हैव टू शो दैट नाइट सीन विद बिल्डिंग्स लाइट्स और व्हाटएवर एनवायरनमेंट इट इज. उत्कर्ष इज आस्किंग इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग दैट फोन कॉल शॉट कांट दे यूज रियल कॉल. सी जनरली क्या होता है कि अभी अगर स्टैटिक शॉट है जिसमें अभी आपने जो फर्स्ट शॉट देखा उसमें फोन सिर्फ डेस्क पे था, वहां पे एक बार चल जाएगा. बट व्हेन देयर इज मोमेंट तो वो ब्लर में पता नहीं चलता क्या इन्फॉर्मेशन. एंड व्हाट हैपेंस इज उस पे उतना लिबर्टी नहीं होता कि यू नो कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो शॉट में अभी दे हैड टू शो कि उसका फ्रेंड कॉल कर रहा है तो उसका फोटो एंड यू नो, तो रियल में यू नो वो दिखाना बहुत मुश्किल है. So it's better that you know you place it, create that own graphic and place it and animate rather than you know. And plus, काफी lights होते हैं shoot के time पे, reflections होते हैं, तो उसमें tracking and all बहुत issue आ जाता है. And वो clear like you know focus is on the guy, you know, so the focus the phone might be blurred, तो उसमें पता नहीं चलेगा. So you know all these things. So अगर मैं अभी suppose आपको phone देखा हो, so you can see there'll be reflections of lights and windows and everything, even अगर शूट कर रहे हैं तो अगर बंद फोन होगा तो भी आपको कुछ ना कुछ किसी का रिफ्लेक्शन दिखेगा, जो कास्ट होगा क्रू होगा किसी का तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा, लाइट्स होगा, कैमरा भी दिख सकता है. ऑल्दो आई मीन अभी जैसे इसमें रिफ्लेक्शन भी दिख रहा तो इट सिग्निफाइज वेरी लाइक रियलिज्म, बट मोस्टली क्लाइंट्स को ये लाइक चाहिए भी नहीं होता. दे वॉन्ट कि नहीं हम लोग को अपना प्रोडक्ट दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग को शॉर्ट्स मिले थे सैमसंग का फोन दिखाने के लिए, सो यू नो तो हम लोग को लोगो एनहेंस करना था, अंदर का कंटेंट एनहेंस करना था, तो यू नो वैसे ही सिनेरियोस में लाइक यू नो वही करना ही पड़ता. एंड समटाइम्स द ब्रांड्स चेंज देयर लोगोस और एनीथिंग एंड देन सडनली ग्राफिक्स चेंज करना पड़ता है कि नहीं फ्रेंड का कॉल नहीं है, वी आर चेंजिंग द स्क्रिप्ट और समथिंग एंड देन वी आर हैविंग समबडी एल्स कॉलिंग. सो अगर वो शूट कर दिया तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज. So it's better to have a green screen and then we can replace the graphics. Like that will be very easy for us. Yogesh is asking, what about VFX in video game industry? Is it different from animation? I don't think it's different. Like structure same hi hai, you know. VFX aap motion graphics mein like you know add karo like our live action mein or game mein. It's like the thinking same. Process is same. Only thing is the tools they change. Like, अगर आप सोच रहे एक प्रॉपर 3D गेम का सोच रहे हैं तो उसमें अगर आप जो एनिमेशन फिल्म के लिए 3D मॉडल्स 3D टेक्सचर्स वो सब बना रहे दैट विल बी लाइक 4K 8K एंड मॉडल्स भी हाई पॉली वो सब बनाएंगे. इन फॉर गेमिंग यू हैव टू बी लाइक बिकॉज इट्स अ गेम इट शुड बी रियल टाइम प्ले के लिए तो वो हल्का होगा. सो वैसे ही आपका जो हाई पॉली मॉडल है वो लो पॉली हो जाएगा, जो आपके टेक्सचर्स जो हैवी होते हैं उसको फिर ये करना पड़ेगा. सो इट्स So gaming ke liye everything is optimized. It's the same thing but it is optimized. Main thing is that. Any other question? And yeah, phone mein flickering bhi hoti hai. Yeah. So that is also a reason ki live screens and phones kyun shoot nahi karte, because the frame rate doesn't match with the camera's frame rate. So kabhi kabhi aapko flickering dikhegi, jaise ki aap purane movies mein dekhoge to wahan pe usme hamesha tv ke jo hoge usme flickering dikhegi, aapko lines dikhenge aate jaate. So that's why now everybody prefers a digital screen rather than a screen to shoot. Yeah, this I think is directed to you. Ye answer. Sorry, how do you handle the freelance clients in terms of paperwork and contact? So Rushal ne pucha hai ye. Okay, so freelance comes in terms of paperwork and contract. Yeah, so I have been working with like lots of freelancers from past few like many years, so it's like a bond now. So we don't have a contract as in, but jab naya naya koi aata hai to we have a basic NDA contract where people sign, so they don't leak out the footages or any other content from the client, because even the client makes us sign their contracts where like everybody has to like work on it and then not share or do anything, because kabhi kabhi hota hai bade bade studios mein aur matlab bahut saalon mein aapne dekha hoga hamare rhythm engine mein bhi hua tha ek baar ki like somebody just took a 3D render ka photo and sent it to his grandmom ki dekho main is pe kaam kar raha hu. So usne to sirf ye socha nahi tha ki main show off kar kuch nahi, sirf apni grandmom ko diya tha, lekin but then the whole look of that ye character got leaked कि हाँ ये मूवी का ये कैरेक्टर है, इसका ये कैरेक्टर लीक हो रहा है. सो वो सब प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए हम लोग फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का चीजें रखते हैं. एंड फॉर स्मॉलर स्टूडियो लाइक अस इट इज वेरी लाइक इम्पोर्टेंट फॉर अस कि ये सब का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि
पहले से क्लाइंट का भरोसा उतना नहीं होता है जैसे कंपैरेटिवली बड़े स्टूडियो के लिए, क्योंकि उनका पहले से नाम होता है कि हाँ ये करेंगे, सो दे वोंट डू एनीथिंग. बट छोटों में कैसा है कि पता नहीं कि हाँ ये लोग प्रॉपर रखेंगे कि नहीं. सो दैट इज इसलिए हमारे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं, हम भी एनडीए साइन करवाते हैं फ्रीलांसर्स से. Shabbir is asking, is there any difference between live action ads and 3D animated ads? Yes, there will be difference. That depends on the length of the project as well. अभी live action में क्या होता है कि like वो live action वाला budget हो गया, तो उसमें अगर 3D you know animation involved नहीं है, so वो whatever the budget for that particular you know sector is. 3D animation का budgeting like you know different होगा. तो ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है. अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें ज्यादा है या इसमें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव. यू नो अभी 10 सेकंड्स का 3D एनिमेटेड एड कैन आल्सो यू नो कॉस्ट अ बॉम्ब, यू नो लाइक काफी हो सकता है रादर देन यू नो 10 सेकंड ऑफ लाइव एक्शन. ऑन द अदर हैंड इवन अ 10 सेकंड लाइव एक्शन कैन कॉस्ट मोर देन यू नो 10 सेकंड. इट ऑल डिपेंड्स लाइक व्हाट योर द क्लाइंट वांट्स टू अचीव इन दैट गिवन यू नो टाइम. Do you require scripting in motion? Can you elaborate? I mean, scripting as in the script you're talking, or the you know the Java scripting and you know the all that stuff. Agar scripting hai, toh, of course, I mean like the normal that paper script that you get the story and everything. So yes, I mean that of course hota hai. Yeah. Like that everything, everything has like, to be planned for any animation and stuff. And if you're talking about scripts. Like as in a script, to create some plugins and yeah, so wo bhi like hota hai. I mean, both the answer is yes. Yeah. That. Have you ever created something, for yourself? I mean, not for client, but for your own company. I tend to. I mean, I would advise everyone to do that. You know, like not only rely on clients and you know on projects that you get on a freelance basis, but create your own stuff as well. Now company के लिए तो like किया हुआ है. In fact अभी जो RA का like deforestation का ये जो चल रहा था उसमें we had started working on the, we had worked on the in fact आधा film हो भी गया था and then suddenly things have changed now. So we can't actually like post it. Probably like we might also So we had done our own animated film and we always experiment. Like even if you see our Instagram profiles, our individual Instagram profiles, we have uploaded lots of like experiments for ourselves and lots of things because और ये share करके ही आपको पता चलता है कि इससे और क्या क्या कर सकते हैं. And like people tell you, like even Justin अगर कुछ upload करता है, then I tell him कि नहीं ये कलर नहीं, अगली बार ये कलर करना, and then next time it is improved. So ऐसा नहीं है कि हाँ हम stage पे आ गए फिर भी हमको सिर्फ अवतार ही बनाना है. नहीं, we experiment stuff. छोटा भी चीज कुछ भी drawing भी किया हम लोग share करते हैं, ये करते हैं, reviews आता है, उससे सीखने को मिलता है, कुछ नया और कर सकते हैं. Main चीज वो है. माइनर प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा, जैसे कि जो ना कार का ग्लास का ऊपर जो लाइटिंग प्रॉब्लम का सी आई मीन ये इशू होता है लाइक एडिटिंग टीम में, एडिटिंग पार्ट में ही पता चलता है. लाइक देयर इज अ डेडिकेटेड टीम आल्सो लाइक यू नो हु चेक्स ऑन कंटिन्यूटी एज वेल. यू नो तो एडीज होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये सब नोटिस करते हैं. सो सो दैट यू नो फिल्म आउटपुट देने से पहले यू नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर द वीएफएक्स पार्ट कम्स इनटू पिक्चर, तो एडिटिंग जब होता है तो ये सब नोटिस किया जाता है. यू नो सो जैसे अगर इफ आई एम टर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर शॉट एंड सडनली नेक्स्ट शॉट आई एम यू नो लाइक स्टैंडिंग, तो वो कंटिन्यूटी जंप आ जाता है. तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी कंसिडर. तो वो एक अभी ये सब तो जैसे अभी आपने जो कार का ग्लास का and light ka ye problem bataya, so this all depends on the director also. If they want, you know, if they notice, whoever notice, agar main notice kiya to of course I'll try to fix it from my end. So all these things, you know, notice hota hai and kaafi time aisa bhi hota hai ki like chhoot jata hai. Exactly, yeah. But in the end it's a director's call ki ha mujhe ye chahiye ki nahi chahiye, and it also depends on the deadline. If like it's a deadline for 2 days, then even the director is like nahi ye jo basic cheez hai wo karna hai, and then हमारे एंड से इफ वी थिंक नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, देन वी लाइक वर्क ऑन इट. या सर डू आई मीन दिया सैम इज आस्किंग इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, सर डू यू डू द डायरेक्टर्स थिंक अबाउट द वीएफएक्स आर्टिस्ट्स व्हाइल शूटिंग द सीन, एज इन नॉट टू गिव द आर्टिस्ट्स अ हार्ड टाइम एडिटिंग इट? सम डू सम डोंट, यू नो आई मीन दैट इज लाइक
मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ. कोई कोई तो यही सोचते कि अरे आर्टिस्ट फिक्स करेगा उनको, हाँ लाइक पोस्ट में हो जाएगा, पोस्ट में हो जाएगा. सम पीपल थिंक अबाउट द आर्टिस्ट, अरे ये डिफिकल्टी होगा, यू नो लेट्स मेक लाइफ इजी बिकॉज डेडलाइन भी है, यू नो तो ज्यादा काम ये नहीं करेगा. या लाइक फ्यू प्रोजेक्ट्स वी हैड, इट हैड कैमरा ट्रैकिंग एंड ग्रीन स्क्रीन रिमूवल, बट देन उसमें वो लोग ने मार्कर्स नहीं डाले थे. So it was a very is as advisable ki aap khud jao as a set supervisor. Generally directors call karte hain supervising ke liye, especially agar chroma scene hua ya you know VFX involved hua. So the direct the supervisor needs to, the VFX supervisor needs to be present on the set, you know, so that because eventually wo kaam usko hi aane wala, you know, so he can guide the director or the set people, you know, ki aisa crew members ki aisa karo, aisa karo, ye markers lagao, ya, you know, all these lighting aisa hona chahiye, no? So wo bahut important hota hai. Agar nahi ja paate hain for some reason, then it's entirely the director's call. And then what happens is they either shoot like on from their phone, you know, ek aisa shoot nikal ke, you know, still image bhejte supervisors ko ki ye chalega kya, and the supervisor gives a go ahead ki ha ye theek hai karke, aur you know ye change karo yahan pe. जरूरी है एक शूट के लिए, एक VFX शॉट के लिए, सो दे आर ऑलवेज लाइक रेडी फॉर दैट स्टफ. Do you do trial and error? Yes, before every project we do, we have to, and everyone should. Yeah. No, usme pata chalta hai ki you know ki kya kya difficulties aa sakta hai, you know, while the project is even if we don't have a project, like we always do trial and errors ki ha ye kaise kar like if this plugin will work, to bhi kuch naya plugin aaya, you know, we experiment, you know, aur naya style aaya, kuch we know ki are ha ye plugin mein ye, so that we are equipped and we are ready ki agar ye aisa project aa sakta hai aayega to hum log kar lenge. We don't have to do R&D because we have already done our R&D in our back this time, the off time, right? What do you think about the 360 degree LED screen called the volume used during the show? I haven't seen the behind the scenes for that, but I think I know what you're saying. Yeah, and I think मैं कोई तो ऐड कमर्शियल में भी देखा था, इट्स वेरी गुड. आई मीन यू नो प्रोबब्ली वो चेंज कर देगा इंडस्ट्री को मे बी, बट आई थिंक वो अभी स्टार्ट स्टेज में ही है. एंड इट्स स्पेसिफिक, इट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लाइक ज्यादा ये भी नहीं कर सकते बिकॉज़ यू आल्सो नीड दोस स्पेसिफिक कैमरास वेयर यू हैव दोस लिमिटेड motion, like the motions which is captured by the computer, so like it's specifically ki ha ye aise motion hai that is captured by the camera, so wo technology aane ko bhi matlab ओवरऑल सारे जगह पे यूज. बट अभी जेम्स कैमरन के जो कैमरा टेक्नोलॉजी वो इट्स लाइक क्वाइट एडवांस्ड एंड यू कैन एक्चुअली सी द व्हाइल शूटिंग इटसेल्फ, यू नो, पूरा इंटरेक्शन, एग्जैक्टली कॉम्पिंग एंड स्टफ. या बट दैट इज देयर, बट दैट इज स्टिल वेरी अर्ली स्टेज प्रीमियम. या इट इज, एंड इट इज वेरी प्रीमियम की हां कोई कोई ही अफोर्ड कर सकता है फॉर देयर शूट्स एंड स्टफ. अभी आने को टाइम जाएगा ये सब चीजें स्लोली स्लोली. So I think we are done with all the any more questions. Any other questions? Yeah. And it is time actually. Ek baj rahe hain. So yeah, I think thank you guys so very much. Bahut maza aaya aaj ke session mein. I enjoyed the interview as well as your presentation. Bahut acha tha wo. और हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि यू हैव टू यू नो डेवलप दैट आई फॉर डिटेल, तो आज उसका थोड़ा डेमो दिया हमको कि इसका मतलब क्या होता है, इतनी बारीक चीजों का ध्यान रखना होता है. एंड सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल इंटरेक्शन, सो या इट वाज ग्रेट टू हैव यू. थैंक यू. सेम यू. सेम यू. एंजॉयड. या या. आई होप आई डिडंट मिस एनी क्वेश्चंस. आई मीन आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन. या या. I mean, you can contact us anytime. You know, yeah, yeah. The so, students, I'm asking. Because yeah, we actually love to interact with students and give like yeah, it's like we love to give the ek number gyan. great. So, chaliye, yeah. Thank you so very much for for being a part of this interview. Thank you. Thank you. Thanks so much. Yeah. Bye-bye, guys. Bye. Bye-bye.